गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। जी हां, आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि पीसीबी ने जो है फाइनली गवर्नमेंट से जो है वो इजाजत लेने का फैसला किया है और उन्होंने वर्ल्ड कप का जो इशू है वो अपनी गवर्नमेंट के पास भेज दिया है कि आप हमें जो है वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दें। जी हाँ, तो इससे तो साफ वाजा वाजा है कि पीसीबी जो है वो अपनी तरफ से राजी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और पहले जो काफी सारे बातें निकल के आ रही थी कि हम अहमदाबाद में खेलने के लिए तैयार नहीं है, हम वहां पर जाकर नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल वैल्यू पर जाकर खेलने के लिए मतलब कि हमें खेलना चाहिए, इंडिया में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी जो है पीसीबी ने प्रपोजल भेज दिया है गवर्नमेंट के पास कि आप हमें जो है वो इजाजत दें कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएं। जी हाँ, तो बहुत से जो है सहाफी और बहुत से लोग जो है इस टाइम पर पीसीबी को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे कि हम इंडिया नहीं खेलने जाएंगे, हम जो है हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो डायरेक्ट मतलब कि एक किस्म का हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा जो बयानी है वो स्ट्रांग है और हमारी कोशिश होगी कि हम इंडिया खेलने के लिए ना जाएं क्योंकि इंडिया में हमारे लिए जो है हालात अच्छे नहीं है। और दूसरी तरफ से जो है एशिया कप का मामला था कि आप अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा तो हम जो है वो हम भी इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएंगे और हम आईसीसी न्यूट्रल वैल्यू के लिए जो है वो आईसीसी से बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पर जो खबरें आ रही हैं कि पीसीबी जो है वो कहीं ना कहीं शायद आईसीसी या और शायद आईसीसी ने भी जोर डाला और शायद बीसीसीआई के साथ जो है वो बैकडोर कोई ना कोई मुज़ाकरात जो है वो शायद तय पा गए हों क्योंकि अभी जो है पीसीबी खामोश है। और कल सहाफी ने भी दावा किया था कि जब हमने सवाल पूछा तो नजम सेठी ने कहा कि जो है इंतजार करें। तो अब देखते हैं क्या बनता है। गवर्नमेंट के पास पीसीबी ने जो है वो इश्यू भेज दिया है और पीसीबी ने गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें इजाजत दें कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएं। तो अभी मतलब कि ये खबर है कि पीसीबी जो है वो इंडिया में जाकर खेलने के लिए तैयार है। अगर गवर्नमेंट इजाजत दे दी तो फिर जो है वो सारा मामला साफ हो जाएगा। अब देखते हैं आज सूरत हाल क्या बनती है। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।